Hello friends, I am Chanchal and today we discuss positioning. Positioning क्या होती है? Positioning मतलब हमारे mind में एक image बनाना, consumer के mind में एक image बनाना. It is an act of designing company's offering and image to occupy a distinct place in the mind of the target market. मतलब अपनी जो target market, जो मैंने अपने previous video में discuss किया है, complete topic target market के बारे में, उनके mind में एक अलग से एक प्लेस बनाना, दैट इज पोजिशनिंग. लाइक गोदरेज है, गोदरेज ने क्या किया हुआ है, एक अलग प्लेस बनाया हुआ है कि गोदरेज जब भी हम लेते हैं, गोदरेज की अलमीरा हो गई, तो इसका मतलब बी सेफ, मतलब उनकी ये पोजिशनिंग है हमारे माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में, कि हाँ उनके प्रोडक्ट सेफ होते हैं, यूजेबल, यूज़ करने में सेफ होते हैं, दैट इज पोजिशनिंग. नाउ जब भी हम पोजीशनिंग की बात करते हैं, हम टू पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी. पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब कि हमारा ब्रांड हमारे दूसरे ब्रांड से कैसे डिफरेंट है, मतलब हमारा ब्रांड जो है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के, हमारे कंपिटिटिव के ब्रांड से कैसे अलग है. जैसे एप्पल है, एप्पल जो है अपने डिज़ाइन के कारण, नाइक, नाइक अपने परफॉर्मेंस के कारण डिफरेंट है. मैं अगर नाइक की होल्डर हूँ, नाइक कंपनी की मैनेजर हूँ, तो मुझे पता है कि ये परफॉर्मेंस के कारण फेमस है, तो मैं उसी चीज़ पे फोकस ज़्यादा करूँगी, जस्ट बिकॉज मेरे कंज्यूमर का, मतलब कि मेरे जो टारगेट मार्केट का बिलीव है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी. पॉइंट ऑफ पैरिटी, पॉइंट ऑफ पैरिटी मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यूनिक ही हो, दूसरे जो ब्रांड्स हैं उससे यूनिक हो, वो क्या हो, शेयर भी कर सकते हैं अदर ब्रांड्स के साथ. मतलब कि हमारे पॉइंट ऑफ पैरिटी मतलब सेम लेवल पे. लाइक बिस्किट्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो लगभग सेम ही होते हैं बिस्किट्स, बट उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंट बनाया हुआ है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाया हुआ है. लाइक 50-50 हो गया, क्रैक हो गया, ये क्या, आते तो सेम लेवल पे, सेम पैरिटी पे है, बट उन्होंने पोजीशनिंग अलग की हुई है, माइंड ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस अलग अलग है उनका. नाउ पोजीशनिंग की कुछ स्ट्रेटेजी है जो इसका मेन पार्ट है. बाय कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई, मतलब पोजीशनिंग, हम कंज्यूमर के माइंड में पोजीशनिंग क्रिएट कर रहे हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले इसमें आया है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मतलब जब भी हम एक कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेके आए, तो हम उसे कॉर्पोरेट के आइडेंटिटी दे. लाइक हमने सुना होगा HUL जो है वो अपने प्रोडक्ट का अलग अलग नेम रखता है, तो वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को वेरी नहीं करता. लेकिन अगर हम LG देखें, सैमसंग देखें, कोई भी अपना न्यू फ़ोन लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने न्यू फ़ोन के फीचर अलग रखते हैं दूसरे फ़ोन से. तो ये क्या हुआ, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को एक सीक्वेंस में चलाते हैं. मतलब कॉर्पोरेट पूरा नाम क्या है, LG है, LG में TV आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है. उन्होंने पॉइंट ऑफ पैरिटी, सॉरी, उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट इमेज को हर एक प्रोडक्ट के आगे अपने LG लगाते हैं. तो ये क्या हुआ, आइडेंटिफाई हो जाता है पोजिशनिंग, क्योंकि LG की पोजिशनिंग अच्छी है हमारे माइंड में, तो इसका वो बेनिफिट लेते हैं. सेकेंड वन इज ब्रांड इंडोर्समेंट, मतलब कि ब्रांड के नेम से जाना जाता है. कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी न्यू प्रोडक्ट्स निकाल देना, ताकि ब्रांड इंडोर्समेंट हो जाए. पोजिशनिंग हम करेंगे ब्रांड इंडोर्समेंट के. लाइक डव है, डव अपने आप में काफ़ी फेमस ब्रांड है फॉर बॉडी सॉप, उसी का बेबी वर्जन निकाल दिया गया, मतलब डव फॉर बेबीज. तो ये क्या हुआ, ब्रांड इंडोर्समेंट, ब्रांड हमने सेम रखा लेकिन उसी के अंदर न्यू कैटेगराइज कर दिया एक तरीके से. नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स, मतलब कि फीचर के अकॉर्डिंग हम न्यू फीचर्स लाते गए. हमने क्या किया, पोजीशनिंग के लिए अच्छी पोजीशनिंग की, और वो हमने कैसे किया, फीचर्स के अकॉर्डिंग, कि हाँ इसमें एप्पल जब भी अपना न्यू फ़ोन लेके आता है तो फीचर्स पे फोकस करता है, वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को भी शेयर कर रहा है एज वेल एज न्यू फीचर्स भी ला रहा है अपने प्रोडक्ट में. उसके न्यू फीचर्स के कारण कंज्यूमर के माइंड में एक अलग इमेज बन गई है कि हाँ ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, हर हर बार कुछ ना कुछ न्यू लेके आता है, यूनिक लेके आता है.
नेक्स्ट वन इज प्राइज। प्राइज यानी जैसे पतंजलि कर रहा है, जब भी पतंजलि आया था मार्केट में, इंटर किया, तो उसका जो मेन फोकस था वो यही था। पतंजलि अपने प्राइस के कारण फेमस हुआ, क्योंकि वो कम प्राइस में, मतलब बहुत कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा था। जहां आप एक प्राइस के लिए 200-200 रुपये पे कर रहे थे, वहां वो सिर्फ 70 रुपीज़ ले रहा था। तो ये क्या है, ये पोजीशनिंग हुई माइंड में कि हाँ सस्ता भी अच्छा हो सकता है। उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कैसे की, सस्ता है बट अच्छा हो सकता है। वही यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात करें कि पतंजलि के प्रोडक्ट है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन दैट मीन्स कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो ये क्या हुआ, पोजीशनिंग हो गई हमारे माइंड में कि हाँ प्राइस चाहे कम हो लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वालिटी एंड यूनिकनेस, यूनिकनेस हो प्रोडक्ट लेकिन हमसे थोड़ा हाई चार्ज करते तो भी हम अलाउ करते हैं। उन्होंने पोजीशनिंग ये की हुई है, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की हुई है कि वो यूनिक है दूसरे प्रोडक्ट से। सैमसंग, एलजी के हो गया, जो फोन्स आते हैं एलजी के फोन्स हो गए, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, इनसे अलग है। तो एक यूनिक इमेज बना रखी है अपन हमारे माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में। तो इससे क्या है, हमें अच्छा लगता है जब हम उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। क्वालिटी, बेस्टेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना, रिजनेबल प्राइस में बेस्टेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि काफ़ी फिलिप्स कर रहे हैं। टॉप मार्केट को कैप्चर किया हुआ है फिलिप्स ने, और वो क्या कर रहे हैं, वो रिजनेबल प्राइस में हमें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्राइस क्वालिटी पोजिशनिंग कर दी गई, मतलब सस्ता है बट अच्छा भी हो सकता है। प्राइस क्वालिटी का यहाँ लिंक बिठा दिया। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।